जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम राकेश और ये जो मेरे पीछे आप टीवी देख रहे हो ना, ये कंप्लीट टीवी मैंने वैसे पहले ही अनबॉक्स कर लिया था। हाल वैसे मेरे थोड़े से आज भारी भरकम है। इसका स्टैंड जो है ना बहुत भारी है, तो सारे केबल कनेक्टर इसके अंदर मैनुअल दे रखा है। यहाँ सब टाइट हो जाएंगे। पुराने वाला सेटअप किसको किसको याद आया, तो यानी कि ये काफ़ी पहले से मेरे पास थी, फिर मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इवन मैंने जब शेव करवाया था, याद है, तब दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी आई थी। ट्विटर का ट्वीट महंगा पड़ गया था, लेकिन हाँ ये टीवी काफ़ी टाइम से है और साथ में मेरे पास एक स्पीकर भी है। और ये टीवी आती है एक स्पेशल डिस्प्ले के साथ, इसका नाम है सैमसंग नियो QLED। 4K टीवी है ये और साथ में जो मेरे पास है ये 65 इंच। और अगर आप ध्यान से देखोगे जो इसमें बेजल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पतले बेजल्स हैं। और ये मेरा फ़ोन है, इससे आप कंपेयर कर सकते हो। टीवी की थिकनेस भी काफ़ी पतली है, तो ये डिस्प्ले स्पेशल क्यों है। इसके अंदर आप ब्लैक्स देखो और ये जो कलर पॉपअप होके आ रहे हैं ना, इवन मैंने कुछ भी कलर की सेटिंग नहीं करी है। नॉर्मली केसेस में मैं क्या करता हूँ, टीवी आती है फिर उसके कलर्स वगैरह सेट करता हूँ मैं, तब जाके वो मतलब एक बेटर एक्सपीरियंस देती है। वेट, मैंने डिस्प्ले की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक से हटा के मतलब थोड़ा कम किया हुआ, क्योंकि कैमरे में लाइट वगैरह जब मैनेज कर रहा था ना, मैंने सिर्फ 8 पे यूज किया हुआ इस टाइम। और अगर मैं इसको 100 करता हूँ, 100 तो नहीं होता, खैर यहाँ पे मैक्सिमम आप जा सकते हो 50। और सबसे कमाल की बात पता क्या, इस टीवी का साइड एंगल देखो आप, कितना ज्यादा मैं साइड में आ गया हूँ अभी भी, यहाँ तक मतलब बहुत ही ज़्यादा साइड एंगल से भी आपको क्वालिटी मिलती है। क्या था इसकी डिस्प्ले में, क्वांटम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा सा नाम हो गया कन्फ्यूजन वाला। सिंपल, मैंने वैसे आपको एक काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो दिया था मिनी LED। जैसे अगर ये नॉर्मल LED होती, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे LED लगे होते, अब इन्होंने क्या किया, मिनी LED यूज़ किया। मतलब जो एक LED है 1/40 times, मतलब इतना स्मॉल करके इसके अंदर स्मॉल LED लगा दी। आप खुद कंपेयर करो ना, 1/40 साइज कर देंगे तो कितनी ज्यादा स्पेस मिल गया इनको, तो बहुत ज्यादा LED नंबर लगाए जा सकते हैं। ज्यादा LED मतलब ज्यादा बेटर क्वालिटी, ज्यादा बेटर कंट्रोल। लेकिन है तो भाई एक OLED डिस्प्ले, आपने सुना होगा, तो OLED AMOLED तो आप जानते हो किस तरीके से काम करता है, स्मार्टफोन में भी आपने देखा होगा, जिसके अंदर एकदम डीप ब्लैक मिलता है। लेकिन इसके अंदर ब्लैक पार्ट को कैसे बेटर किया जाए, तो जैसे मान लो ये टीवी की डिस्प्ले है ना, समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मिनी LED लगी हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसको ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग बॉक्स में क्या होगा, ढेर सारी LED होंगी। अब ये जो एक बॉक्स बना ना, इसको सिंगल जोन बोलेंगे हम लोग, तो ऐसे ऐसे काफी सारे जोन बन जाते हैं। तो मैंने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा नहीं तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्मॉल होता है। मान लो टीवी पे आप कुछ भी वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे ब्लैक पार्ट आया, तो यहाँ के LED को हम क्या करेंगे, ब्राइटनेस को डिम कर देंगे। इधर वाला मान लो ऐसा कोई एरिया जहाँ पे हमें ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो इसको बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा ब्राइट आएगा। उसकी वजह से क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं डीप ब्लैक और नॉर्मल ब्राइट कलर वाले पार्ट को। तो HDR इफेक्ट जब आता है, कॉन्ट्रास्ट रेशो जब आता है, वो सारा आपको बहुत ही ज्यादा बेटर क्वालिटी का देखने को मिलता है आपको इस टीवी के अंदर। और अगर आपके मन में आ रहा है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ LED या फिर कितने जोन बने हुए, तो मैं सैमसंग की वेबसाइट पे चेक कर रहा था, वहां पर ये मुझे ऑफिशियल डिटेल नहीं मिला। जो भी मिलेगा मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर। मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको पता लग गया और किस तरीके से, क्योंकि मैंने कुछ और टीवी टेस्ट की हुई है, इवन मेरे पास भी है एक, डेफिनेटली इसके जो एक्सपीरियंस है मच बेटर है। लेकिन ये जिस रेट में आता है, इसमें नहीं, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, लेकिन मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको एक पता लग गया होगा। और ये इसका मिनिमल सा रिमोट है, यहाँ टाइप सी से चार्जिंग होती है पीछे, लेकिन सोलर पैनल दे रखा है। लेकिन ये जो रूम के अंदर लाइट होती है ना, उससे भी चार्ज कर सकता है अपने आप को। बाकी ये सैमसंग टाइजन OS मिलता है, इसके अंदर आपको 4 HDMI पोर्ट मिलते हैं, जिसमें एक ERC वाला है, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, और यहाँ पर पावर पोर्ट है, और 60W के टीवी के अंदर स्पीकर दे रखे हैं, यहाँ बॉटम साइड है, उसके बाद ये ऊपर साइड दे रखे हैं यहाँ पर दो, मतलब पूरा एक एक्सपीरियंस जो आता है। एक बेस भी मिल जाता है और ऐसे डिस्टोर्शन नहीं है, हालांकि इस तरह की टीवी में साउंड बार लगाना हर कोई पसंद करेगा। और यहाँ पे ऑटो मोशन प्लस यानी कि MEMC का सपोर्ट, बिक्सबी, एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट, जो भी आपको ठीक लगे। एलेक्सा, हु इज ज्ञान थेरेपी। सिंस क्रिएटिंग देयर चैनल ऑन द 5th ऑफ ऑगस्ट 2018,
They have received 18,42,17,552 views on 691 uploads. Thank you so much. 200 million views हमारे होने वाले हैं बहुत जल्द. साथ में अडेप्टिव पिक्चर क्वालिटी, ये तो मैंने शुरू में बता दिया था कि मतलब किस हिसाब से एनवायरनमेंट में लाइट है उसके हिसाब से कम ज़्यादा ब्राइटनेस होता है. अब ये डिस्प्ले की वजह से यहाँ पर टीवी का जो रेट है, जाहिर सी बात इतना सस्ता नहीं होने वाला था. टीवी का जो रेट है वो है 2.5 लाख के आसपास. इससे पहले आप कह, मैं ही कह देता हूँ, यस एग्री, ये सब लोग नहीं बाय करते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको पता लगता है किस तरीके से क्या आता है डिस्प्ले के अंदर, बहुत से लोग बाय भी करते हैं जो लोग ऐसे मतलब प्रीमियम पे कर सकते हैं. और गेमिंग के लिए पता है क्या कर रखा है, जैसे जिस तरह से अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो ना, तो जिसके अंदर ब्लरीनेस होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दे रखा है कि कम ब्लर हो, या फिर आपके ना पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करता है गेमिंग एक्सपीरियंस को बेसिकली. और जो आपका ग्राफिक है ना, उसको मतलब एक तरीके से अपस्केल करके दिखाता है, तो जो क्वालिटी है बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है. इतने बड़े डिस्प्ले पे अगर BGMI खेलना हो, मजा ही आ जाना अरसे. अब ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा समझाना टिपिकल हो जाता है, ये सारा चीज़ें मतलब रियल लाइफ में पता लगता है. जैसे कि क्यू सिम्फनी करके एक टेक्नोलॉजी, इसमें टीवी का साउंड और ये जो साउंड बार है ना, इसके साउंड के साथ जितने इसके ये वूफर हो या फिर ये स्पीकर हमारे पास है, एक साथ में ये वाला रखा हुआ, तो इन सबके साथ ना कंबाइन करके चौतरफा एक्सपीरियंस मतलब सराउंडिंग एक्सपीरियंस देता है, वो आप बिल्कुल फील कर सकते हो. इनफैक्ट OTS एक वर्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड भी बोलते हैं, जिसे मेन ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, साउंड एक्चुअल में आ कहां से रही है, किस तरफ ट्रेवल कर रही है, फॉर एग्जांपल इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, तो आपको जो एक्सपीरियंस है ना वो भी सेम इस तरह से देखने को मिलता है. और टीवी में चीजें कहां से कहां जाने लग गई इस एक्सपीरियंस के चक्कर में, स्पेस फिट नामक भी फीचर है, जैसे मतलब भाई अलग अलग रूम में आप टीवी रखते हो, छोटा है कोई, लंबा है कोई, चौड़ा है, जो भी है, तो उसमें जो इसका कंबाइन एक्सपीरियंस आता है ना इस साउंड बार के साथ, वो सारा मतलब एक स्पेस के हिसाब से अपने आप को खुद ही मैनेज करके आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देता है. तो मतलब कहीं भी रूम में ऐसे घूमते फिरते कहीं भी टीवी आपका रखा हुआ, तो आपको जो एक्सपीरियंस है पूरे के पूरे रूम में एक जैसा ही मिलता है. और जैसे प्रीमियम में ही एक स्पीकर आया था, मैं इसकी अलग से वीडियो नहीं दे रहा हूँ, बट मैंने इसको भी पहले ही अनबॉक्स कर लिया था साथ में. टोटल 3 आइटम है, 1, 2 एंड फाइनली ये मेन साउंड बार हो गया. इसके ऊपर ना एक स्पेशल मटेरियल यूज हुआ है और एक टेक्सचर है पूरे के ऊपर, नो डाउट काफी प्रीमियम है. पावर केबल, HDMI केबल, रिमोट, टिपिकल सैमसंग का डिज़ाइन. ये कुछ वॉल माउंट सिस्टम है, और ये भी मैंने काफ़ी पहले अनबॉक्स कर लिया था, तो मतलब पता है अभी क्या कैसा है. और इसका मॉडल नंबर है सैमसंग साउंड बार Q950A, और इसका जो आउटपुट है वो है 616 वोट आउटपुट. और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी प्रीमियम है. इसमें ना अलग अलग मॉडल आते हैं, बट ये वाला मतलब हाइयर वाला है, ये है 1,12,000 के आसपास. एप्पल एयरप्ले को सपोर्ट करता है, वायरलेस भी कनेक्ट हो जाता है, साथ में ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, अलेक्सा का भी सपोर्ट है इसके अंदर. लेकिन याद रखना, ये स्पीकर आपका क्रोम कास्ट को सपोर्ट नहीं करता. साथ में क्यू सिम्फनी वाला फीचर मैंने बताया भाई किस तरीके से काम करता है टीवी के साथ एक कंप्लीट ओवरऑल एक्सपीरियंस देने के लिए. कोस्टिक बीम टाइप फीचर है. अब ये सारे फीचर मैं ना वेबसाइट पर पढ़ रहा था, तो मैं उसको देख रहा था कि है क्या वो. नाम इतना मुश्किल है, लेकिन काम इसका सिंपल है कि ये पैनोरमिक टाइप है ऑडियो एक्सपीरियंस देता है हर तरफ मिक्स करके, जो आपको एक रियल वर्ल्ड टाइप एक्सपीरियंस देता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया PVR वगैरह, या कहीं पे आप फील करने की कोशिश करते हो. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ PVR वाला स्पीकर ला के यहाँ लगा दिया. इवन एक फीचर है, जैसे अपने डिवाइस से ना ऐसे टैप करके आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो, और मैं बंद कर दूँ नहीं तो कॉपीराइट भी आ जाता है. तो इस तरीके से एक फीचर है. बाकी यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, DTS साउंड मिलता है. तो यहाँ पर चार चीजें मिलने वाली हैं. ये हमारे पास एक मेन साउंड बार है, सामने 2, 3 और ये यहाँ पे 4. यहाँ नीचे की तरफ इसका पावर प्लग है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया. तो इन चारों को आपस में कनेक्ट नहीं करना, ये सारे वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं एक ही बार में. कनेक्टिविटी भी काफी फास्ट है, ब्लूटूथ भी है, वायरलेस कनेक्ट भी होता है, मतलब वाईफाई से भी टीवी कनेक्ट हो जाता है. और साथ में ना नीचे इस तरफ HDMI केबल से कनेक्ट कर सकते हैं गेमिंग वगैरह के टाइम, एकदम मतलब एकदम एक्यूरेट एक्यूरेसी के लिए. यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, बट मुझे लगता है डिस्प्ले बड़ी साइज की होनी चाहिए थी, 22 वॉल्यूम पे, और ये 100 तक जा सकता है. और 100 पे ले जाने के बाद पड़ोसी ना मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इसकी जो साउंड है ना, क्योंकि इसको हमने वहाँ भी टेस्ट किया था जब पुराने लोकेशन पे था ना, वो तो आपको पता ना ऐसे खेतों के बीच में था लोकेशन, जितना मर्जी तेज चलाओ. एंड डेफिनेटली ये उन लोगों को टारगेट करता है जो लोग प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर काफी शौक रखते हैं कुछ लोग, उन्हीं के लिए दोनों ही सिस्टम है देखा जाए तो. यही दोनों शो करना था आपको इस वीडियो में. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में.